स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव सत्र शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला कुरुद भिलाई में भी नवी कक्षा में नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मिटाकर स्वागत किया गया एवं नए कक्षा की किताबें वितरित की गई। बीते 26 जून को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने शाला प्रवेश उत्सव सत्र का शुभारम्भ किया। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरुद भिलाई में 28 जून दिन बुधवार को नवी में प्रवेश करने वाले नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत सम्मान तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर किया गया एवं शाला में प्रवेश उत्सव मनाया गया। इस मौके पर नव प्रवेशी विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें एवं कॉपी वितरित की गई। शाला प्रवेश उत्सव के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शाला विकास समिति के अध्यक्ष इतवारी देवांगन, वार्ड की पूर्व पार्षद सुशीला देवांगन एवं वर्तमान पार्षद नेहा साहू सहित क्षेत्र के गणमान्यों ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। सभी ने नवी कक्षा में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें शाला में मिलने वाली अच्छी शिक्षा का लाभ लेने मार्गदर्शन दिया। शाला की प्राचार्या सुश्री एवी मिसर ने प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी शाला प्रवेश उत्सव मनाने की जानकारी दी, तो वहीं वार्ड पार्षद नेहा साहू ने नवी में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए ढेरों बधाइयां दी। शाला प्रवेश उत्सव मनाते हुए कक्षा नौवीं की जरूरतमंद छात्राओं को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिलों का वितरण भी किया गया। साइकिल पाकर छात्राओं में एक अलग उत्साह देखने को मिला। कैलाश नगर में, बॉडी की कैलाश नगर में, यहाँ शासकीय स्कूल है, बहुत ही अच्छा स्कूल है और यहाँ पे शाला प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है और बच्चों को शुभकामनाएं दी जा रही हैं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। और यहाँ पे साइकिल का भी वितरण किया जा रहा है, यहाँ पे 8 साइकिल का वितरण किया गया है। पहले भी यहाँ पे पूर्णवी साइकिल वितरण की गई है लड़कियों को, ताकि वो स्कूल सही से आए, उनके स्कूल आने में कोई अवरोध ना पैदा हो। इसके लिए योजना है जिसके तहत उनको साइकिल वितरण की जाती है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आत्मानंद स्कूल का योजना लाई गई और आत्मानंद स्कूल सभी जगह खोले जा रहे हैं पूरे राज्य में और हम भी आशा कर रहे हैं कि भविष्य में इस स्कूल को आत्मानंद स्कूल में प्रवेश कन्वर्ट किया जाएगा, इसको बदला जाएगा कि आत्मानंद स्कूल इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल में इसको बनाया जाएगा, इसकी उम्मीद भी कर रहे हैं और हमने मांग भी की है माननीय मुख्यमंत्री जी से और हमें आशा है कि ये जल्दी से इंग्लिश बोली जाएगी। हायर सेकेंडरी स्कूल प्रवेश उत्सव मनाया गया आज। आज विद्यार्थियों का तिलक लगा के स्वागत किया, तो पुस्तक वितरण की गई, साइकिल और आशीर्वचन दिया गया। गांव के गणमान्य नागरिक आए थे, उनके द्वारा स्कूल आने के लिए प्रेरित किया गया, एक संकल्प लिया गया कि वे प्रतिदिन स्कूल आएंगे, अध्ययन नियमित रूप से और पाठ्य पुस्तकों का भी वितरण। शाला प्रवेश उत्सव मनाए जाने से शाला में प्रवेश करने वाले सभी विद्यार्थियों का मनोबल जहां बढ़ता है, तो वहीं उनके शिक्षा ग्रहण करने की दिशा में और भी तेजी आती है और विद्यार्थी दुगने उत्साह से प्रतिदिन स्कूल आते हैं और एक अच्छे वातावरण में शिक्षा ग्रहण करते नजर आते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।